अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका एक और पार्ट जिसमें हमें वाई सेट दे दिया गया है 1, 2, 3 से लेकर 12 तक नंबर मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं। जी सेट आपको दे दिया गया है 2, 4, 6 से लेकर 16 तक इसके भी नंबर मेंशन कर दिए। सबसे पहले मालूम करना है आपको वाई यूनियन जी। यहाँ पे एक बात ये याद रखिएगा कि आपके बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन निकल रहे हैं, इसलिए यह है ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, मैंने जब ये वेन डायग्राम के लिए ये पिक्चर ड्रॉ किया है तो फिर क्या किया है कि दो सर्किल्स ऐसे लिए हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हैं। ठीक है जी, सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। इधर आपके वाई के एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे आपके जी के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, सेंटर में कौन से एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, वो एलिमेंट्स आपने सेंटर में लिख दिए हैं। उसके बाद जो नंबर्स बचे थे वाई के वो क्या है, 1, 3, 5, 7 और 9 और 11, वो यहाँ पे लिख दिए हैं। और जी में से 14 और 16 बचा था वो यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि आपको शो करना है यूनियन, ठीक है, यूनियन मीन्स दोनों के एलिमेंट्स जो है वो आपने जमा कर दिए हैं, तो इसलिए आपने करनी है शेडिंग और मैंने सिर्फ लाइन्स ड्रॉ की हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों जो सर्कल्स हैं और इनके जो भी शेडिंग आप करेंगे, जो भी कलर आप यूज़ करेंगे, तो वो आपकी वाई यूनियन जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद वाई इंटरसेक्शन जी के लिए आपने क्या करना है, वही रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए पहले वेन डायग्राम के लिए। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आ गया, दो ओवरलैपिंग सर्कल्स आपने ड्रॉ करना है। अच्छा, सेंटर में जो नंबर्स हैं जो कॉमन आए थे, ठीक है ना, क्योंकि हम इंटरसेक्शन करते हैं तब भी तो हमारे नंबर्स कॉमन जो आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब उसके बाद वाई के जो एलिमेंट्स बचे थे वो आपने इधर लिख दिए, जो जी के एलिमेंट्स बचे थे वो यहाँ पे लिख दिए। अब चूंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है यानी दोनों साइड्स में जो कॉमन है, इसलिए हमने सिर्फ इस पार्ट को शेड करना है, बाकी ना यहाँ पे शेड करिएगा ना यहाँ, क्योंकि ये हमने इंटरसेक्शन शो करना है। तो सिर्फ ये पार्ट जहाँ पे नंबर्स हमारे कॉमन आए थे और ओवरलैप जहाँ पर होता है उसी साइड पर लिखा जाता है, तो ये हो गया हमारा वाई इंटरसेक्शन जी। अब आपने मालूम करनी है वाई माइनस जी। मालूम करने का क्या तरीका, सेम आपको यही मेथड अप्लाई करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, इधर आ जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, दो ओवरलैपिंग सर्कल्स, पहला सर्कल वाई को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा सर्कल जी को रिप्रेजेंट करेगा। सेंटर में जहाँ पे ओवरलैप हुआ है सर्कल्स, वहाँ पे आपके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ गए। ठीक है, अब आपने किया क्या है कि आपने वाई सेट में से जी को माइनस किया। ठीक है जी, तो जब आपने माइनस किया तो कॉमन एलिमेंट्स जो थे वो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 कैंसिल होगा, 6 कैंसिल होगा, 8 कैंसिल होगा, 10 कैंसिल होगा, 12 कैंसिल होगा। अब वाई सेट में बचे क्या है, क्योंकि वाई में से आपने माइनस करना है, तो वाई में से क्या बचा है, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। तो हमारा आंसर जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस पार्ट को शेड कर दिया जो हमारा आंसर है, यानी कि जो एलिमेंट्स बचे थे तो वो क्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो हमने इस पार्ट को सिर्फ शेड करना है। ठीक है, ना ओवरलैपिंग वाले साइड को करेंगे आप, ना ही जेड के मेंबर्स को करेंगे। उसके बाद जेड माइनस वाई करना है, तो आपने वही काम करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मेंशन करना है, दो ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, फर्स्ट आपका वाई सेट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड आपका जी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सेंटर में आपके कॉमन एलिमेंट्स आ गए, अब इधर आपके जो वाई के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन किस तरीके से, देखें Z में से माइनस किया है ना, तो Z के तो सारे एलिमेंट्स आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सब कैंसिल हो गए, तो Z में से 14 और 16 बचा है। तो जो हमारा आंसर है उसी को हमने शेड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 14 और 16 के लिए मैंने लाइन्स ड्रॉ कर दी कि ये आपका शेडेड पार्ट है, ये आपका आंसर है। अब जो ओवरलैपिंग में है वो भी नहीं लिखना है, जो Y के एलिमेंट जो भी बचे हुए थे वो भी हमारे वैसे के वैसे ही रह गए। ठीक है जी, यानी कि ये पूरा पार्ट आपका जो है वो मौजूद है यहाँ पे, और सिर्फ आपके जो कैंसिल हुई है, कैंसिल होने के बाद जो यहाँ पे बचे थे जी में से, तो उसको आपने यहाँ पे शेड कर दिया।